विरोधात्मक कोई किसी तरह के प्रतिक्रिया जाहिर यहाँ पर नहीं करने वाला। मैं योगी दिनेशनाथ आत्रे खेड़ा का मूल निवासी हूँ और वर्तमान समय के अंदर अजंता कॉलोनी में मेरा रेजिडेंस है और LIC के अंदर मैं कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्रभु महायोगी भगवान गोरखनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और मचासी सभी बंधुओं को आदेश आदेश, और मेरे समाज के जितने भी यहाँ गणमान्य लोग बैठे हैं सभी को मैं योगी दिनेशनाथ आत्रे आदेश आदेश, ये स्वीकार करें आप लोग। आदेश 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 आदेश। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात करता हूँ। मैं समाज के अनेकों लोगों से मिलता हूँ, उनका प्रश्न ये होता है कि हम कौन हैं। पहला प्रश्न आता है कि हम कौन हैं। रविंदर जी, राजेंद्र जी, एक समाज के सम्मेलन में मेरा इनसे मुलाकात हुआ तो इन्होंने भी मेरे से एक सवाल ये कहा था कि हम कौन हैं। तो मैंने इनके कानों में सिर्फ भगवान गोरखनाथ जी के द्वारा दिया गया मंत्र को एक जपा और मंत्र इनके कानों में चला गया और आज ये हीरे आपके सामने बैठे हैं दोनों। योगी रविंद्र कुमार जी खड़े हो जाइए, योगी रविंद्रनाथ और योगी राजेंद्रनाथ वो तो गलती से जगसरन जी के सुपुत्र हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज के व्यवसायी हैं। आज नाथ संप्रदाय की जो गहराई होती है मैंने इनको गहराई बताई और उस गहराई का इन्होंने अथक प्रयास के द्वारा अध्ययन किया। पहली बात, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस संस्था को आप बनाने वाले लोग हैं, जिसे आप लोग उपाध्याय समाज कहते हैं, ये है क्या? ये हमारी जोगी समाधि स्थल थी। मैं उसकी जड़ें तक पूरी स्टडी कर चुका हूँ। जोगी समाधि स्थल जिसको वैदिक आश्रम बनाया गया, जोगी समाधि स्थल बड़ी तरीके से राजनीति खेली गई, जोगी समाधि स्थल को वैदिक आश्रम बनाया गया। कौन समाज था जोगी? हमारा बाप। हमारे बाप को वैदिक आश्रम बनाया गया, हमारा बाप बदला गया, उसके बाद उपाध्याय बना दिया गया, वो दूसरा बाप बदला गया, ठीक है। लेकिन बाप तो बाप होता है ना, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है। हमारा बाप बाप होता है। और यहाँ जिस धर्मशाला की आप लोग बात करते हैं, जिसके मुद्दे पे आप उलझे पड़े, अगर समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति मात्र 10 रुपये के RTGS के माध्यम से अगर एक एप्लीकेशन डाल देना, ये सारे नंगे हो जाएंगे जितने बैठे। माननीय विजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं या रेणु जोगी जी ने अपनी बात कही, ये बातें हम करेंगे, अपनी तकलीफ हम सबके सामने रखेंगे, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। इसका सिर्फ हल ये है, पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, मेरे साथ एक घटना घटी 20 साल पहले, मेरे गांव के अंदर डकैती पड़ी और समाज के यही चेहरे, गणमान्य चेहरे, मेरे फादर आज से नहीं 80 साल पुराने थे, समाज का हर व्यक्ति उनको जानता है, यहाँ की बात नहीं करता, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक उनको जानता है। समाज के लोग कहते थे कि आपके लिए हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे या फला आंदोलन कर दें। अपनी घटना का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उसकी प्रेरणा पीड़ा है मुझे। कोई व्यक्ति मेरे भाई के साथ खड़ा नहीं हुआ। आखिरकार उस समस्या हम लोग निकले, आज आप लोग सामने खड़े हैं। हमने भीख नहीं मांगी, मेरे बाप ने भीख नहीं मांगे, मेरे दादा ने भीख नहीं मांगी। मेरी 10 पीढ़ी का इतिहास मेरे पास है। यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, लोग कहते हैं कि हमारे पास इतिहास की जानकारी नहीं। अरे भाई, अपने बड़े बूढ़ों का इतिहास तो निकाल लो पहले। मैं तो ये कहता हूँ, समाज का कोई भी गरीब व्यक्ति, सिर्फ हमने 150 साल पुराना इतिहास निकाल ले। अगर 150 साल पुराने इतिहास पर आप लोगों को गर्व ना हो जाना, तो आप जूते निकाल के मेरे सर पर मार देना। उस दिन के बाद मैं अपना जोगी लिखना बंद कर दूंगा। नफरत होती है मुझे उन लोगों से जिन्होंने हमारे बाप को बाप कहना नहीं कोई गवार समझा। मेरे सामने जनता कॉलोनी में जहाँ मेरा रेजिडेंस है, मैं LIC के अंदर CM क्लब मेंबर हूँ। भगवान की कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। मेरा अपना मकान है, सामने मेरे प्रोफेसर साहब रहते हैं शर्मा जी, उनकी वाइफ भी प्रोफेसर है। मैं अपनी वाइफ से बोलने लगा, ये शर्मा जी प्रोफेसर, उनके पैर छू लो। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं, या नाथ जी आप हमें क्यों पाप की गिलानी कर रहे हो, क्यों पाप में डुबा रहे हो? अरे तुम लोग तो उस नाथ संप्रदाय से हो, हैं, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। और तुम लोगों को नमस्कार करते हुए तुम्हें शर्म आती है अपने आप को? हैं, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हैं, जिस जोगी समाज में तुम लोग रिश्ते नाते करते हो, जिस समाज में तुम्हारे बच्चे भेजे जाते हैं, उपाध्याय की बात करते हो ना, मेरे से बात करें ना, जो व्यक्ति उपाध्याय का बहुत बड़ा प्रकांड व्यक्ति मानता हो ना समाज के अंदर, वो मेरे से बात करे, मैं बताता हूँ उपाध्याय कौन होता है। मेरे साथ चलो, ये 4-5 जिलों को छोड़ने के बाद मेरे साथ चलो ना आगे। मैं यही मेरठ की बात करता हूँ, कैलाशपुरी में चलो, फूलबाग कॉलोनी में चलो, ब्रह्मपुरी में चलो। सब लोग कहते हैं, जो उपाध्याय लोग हैं, मेरे अपने पॉलिसी होल्डर है जो खुद ब्राह्मण है, वो लोग कहते हैं भाई तुम सेवपंथी हो, तुम तो हमारे मान हो, तुम्हें क्या जरूरत है ये उपनाम रखने की? ये बताइए नाथ जी, आखिर अपना सर्वनाश मत करो, अपना सर्वनाश मत कीजिएगा। लिखने लगा जब रेणु जोगी ने, एक मिनट नाथ जी, एक मिनट, जब रेणु जोगी जी, हालांकि मेरी भाभी है, मेरे मामा की लड़की मिसिज है, रेणु जोगी ने सबसे पहले जोगी लिखा तो समाज के सारे लोग कहने लगे, यार ये जोगन है हमारे समाज का नाश करने के लिए, इनको मेरे बारे में सुनता रहा, मेरे कान पक गए। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, केवल सही समय का इंतजार किया। आज सही समय का इंतजार है, वो सामने बैठी है। आज एक मंचासी ने कहा था, सम्मान्य पद पर बैठी है,
मैं मुनीष जी के बारे में गलत नहीं कहूंगा, हमारे समाज की बात कहती है। रेणु जोगी ने कहा टोंट कसो, टोंट मत कसो भाइयों मेरे, जब विजेंद्र कहीं नेता बनता है, मुनीष कहीं नेता बनता है, अरे बनने तो दो। एक मुनीष जी है, मैं उनके सामने कहता हूँ यार तुम बनते तो जोगी समाज से उपाध्याय क्यों नहीं हटा देते? कहना बहुत आसान होता है, बोलते मत जोगी समाज को दे दो। अरे जोगी समाज के नाम से लेते उपाध्याय हटा क्यों नहीं देते? तुम लोग जोगी समाज से नाम से तुम्हारे राजनीति चल रही, तुम्हारा सब कुछ हिस्से चल रहा है और उपाध्याय तुम लोग हटा नहीं सकते? मैं हल्का कर रहा हूँ उसको, मैं अंत की तरफ ले आ रहा हूँ। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, जितने भी यहाँ गणमान्य लोग बैठे हैं केवल एक छोटा सा काम करें जिसको इतिहास नहीं पता है, www.nathsamaj.com या jogisamaj.com कुछ भी डाल लीजिए, अपने समाज का ब्रह्मांड आप लोग स्टडी कर लीजिए, समाज का संपूर्ण ब्रह्मांड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, आज आपके हिंदुस्तान के अंदर 14.5 करोड़ से ज्यादा आपकी आबादी है। अरे 14.5 करोड़ की आबादी पूरे देश को हिला देती है, लेकिन समस्या क्या होती है कि तुम्हारे 29 उपग्रामों के कारण आज तुम्हारा समाज बिखर चुका है। गौर साहब क्या